हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बिल्कुल नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी जो बुक्स आपका न्यू सिलेबस 2020 से 21 में जो नया लॉन्च हुआ है बुक्स, उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के चैप्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे आईपी का, क्लास 11th का, कंप्यूटर सिस्टम्स रिलेटेड। देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के अंदर हमें स्टार्टिंग में ये बताया गया है कुछ पॉइंट्स जिसमें डिस्कस करने हैं। दैट एक तो इसमें बहुत बेसिक चैप्टर है ये, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में, इवोल्यूशन, कैसे वो कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हुए, कैसे कैसे उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हुए, न्यू न्यू इन्वेंशन हुई, फिर मेमोरी सॉफ्टवेयर क्या रहा उसके अंदर। देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में, जस्ट इसकी डेफिनेशन। पहले आप बेसिक कंप्यूटर का प्रस्ताव में किया हो तो उसमें आपको ज़रूर बताया गया होगा कि कंप्यूटर सिस्टम्स में डेफिनेशन के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब वो बिजली से चलती है, दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा। डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है वो, दैट इज़ इनपुट, प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, एंड देन जनरेट रिजल्ट्स, दैट इज आउटपुट। ए कंप्यूटर अलोंग विद द एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर के अंदर एडिशनल हार्डवेयर होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, और कीबोर्ड, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस काफ़ी सारे होते हैं, इसमें चैप्टर में आगे आएगा, उन सबको मिला के। और साथ में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे विंडोज़ हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने एमएस वर्ड डाला, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब मिला के आपका कंप्यूटर सिस्टम बनता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर बिल्कुल बेकार होता है, कोई इसका यूज़ नहीं है। एक कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरली प्रेमिस कंप्राइज ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल होती है, तो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कुछ मेमोरी होती है जैसे कि रैम, रोम, और आपका सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह, इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, एंड स्टोरेज डिवाइस, इसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर करते, जैसे कि आपने कुछ डाटा फाइल बनाई तो हार्ड डिस्क वगैरह, तो उनको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज कहते हैं। ऑल दिस कंपोनेंट्स functions together as a single unit to deliver the desired output. Desired output देने के लिए मैं सब मिल के काम करते हैं ताकि जो आपको चाहिए वो आउटपुट मिल जाए। एक कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन द वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस में अवेलेबल होता है। जैसे आपने देखा है आजकल तो हैंड हेल्ड डिवाइसेज भी आ रहे हैं, कंप्यूटर के पूरी फॉर्म में होती हैं वो, तो बहुत सारे साइजेस में अलग अलग अवेलेबल होता है। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में, दैट दीज आर द इनपुट डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइसेज, इसके बीच में सीपीयू रहता है जो पूरी पूरी प्रोसेसिंग करता है। देखिए, जैसे इसके अंदर आपका आप जो करता है इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के काम आती है, वो इंटरेक्ट रखती है कंट्रोल यूनिट से, जो सीयू जिसे हम कहते हैं, जो सारा कंट्रोल करता है किस डिवाइस को कैसे कॉन्टैक्ट में लाना है। प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम हो गई आपकी, वो इसमें ज़रूरत पड़ती है, फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, या आपने अलग से कोई जिप ड्राइव लगा दिया, तो वो सब चीज़ें आपकी इसके साथ अटैच रहती हैं। तो देखो, जैसे हम बात कर रहे थे कि इट कैन वेरी फ्रॉम हाई एंड सर्वर, जो बहुत बड़े सर्वर्स होते हैं, कमर्शियल यूज़ होते हैं, टू ए पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर या स्मार्टफोन के फॉर्म में भी हो सकता है। इस फिगर में ये मैंने बताया, जैसे आपको पूरा डिस्कस किया गया इसके बारे में। दी डायरेक्टेड लाइन्स रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ डाटा, जो हम लाइट्स बता रहे हैं, देखिए ये आप इसमें डाटा, वो इससे डाटा ले भी सकता है और इसको डाटा दे भी सकता है, तो मतलब दो टू वे का कम्युनिकेशन आपस में रहता है। लेकिन इनपुट डिवाइसेस सिर्फ डाटा देती है, आउटपुट डिवाइसेस सिर्फ डाटा लेती है सिग्नल्स को, इनके अंदर टू साइड का कम्युनिकेशन रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है यहाँ पे। इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्री होती है बहुत सारी इसमें ऑफ ए कंप्यूटर, दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग, जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है वो इसी के अंदर परफॉर्म होती है सभी के सभी। एंड इट यूजली रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी माना जाता है इसको, कि सब कुछ इसी के अंदर रहता है। इट इज़ आल्सो कॉमनली कॉल्ड द प्रोसेसर, आल्सो इसे प्रोसेसर भी बोल देते हैं, कि हाँ भी सारी प्रोसेसिंग इसी के अंदर हो रही है। इनपुट डिवाइसेज काम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है, आउटपुट का इंस्ट्रक्शन को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। फिजिकली ए सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स में रखा जाता है, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहते हैं। दी सीयूज कंप्राइज सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर रहता है, ये बेसिकली साइंटिफिक टर्म है, इलेक्ट्रॉनिक की टर्म है, आपको ध्यान रखना है। आईसी, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं बोर्ड्स के ऊपर जो लगे होते हैं। दी सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा थ्रू द प्रोग्राम, के थ्रू ही करता है वो। सीपीयू दैट फीचेस द डाटा एंड डाटा फ्रॉम मेमोरी एंड परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है इन डिवाइसेस के बाद, एंड स्टोर्स द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी, जो भी जो रिजल्ट होता है वो मेमोरी के अंदर, जैसे सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के अंदर वो स्टोर करके रखता है।
वाइल प्रोसेसिंग द सीपीयू स्टोर्स द डाटा एज वेल एज द इंस्ट्रक्शंस इन इट्स लोकल मेमोरी, जिसे हम रैम या कैशे मेमोरी भी कहते हैं, रजिस्टर्स मेमोरी भी होती है, उन सब के अंदर वो स्टोर करके रखता है। रजिस्टर्स सबसे फास्ट देखो होता है, रजिस्टर्स मेमोरी मतलब जो बिल्कुल सीपीयू के अंदर रहती है, सबसे फास्ट होती है, बहुत साइज का छोटा रहता है। रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ सीपीयू चिप, सीपीयू का ही पार्ट होता है, एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर, बहुत ही छोटा रहता है, इसका साइज भी बहुत कम रहता है, यानी कि 1 GB 2 GB रहेगा, कुछ KB कुछ बाइट्स में रहता है, लेकिन ये सीपीयू का क्योंकि बिल्कुल फास्ट रहता है, सीपीयू का अपना पार्ट होता है, इस वजह से वो स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। व्हाट इज इंटरमीडिएट रिजल्ट्स? जो आपने प्रोसेस अनप्रोसेस डाटा है, जब पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ है, उसे हम इंटरमीडिएट रिजल्ट कहते हैं। जब पूरा फाइनल हो जाएगा वो आपका आउटपुट डिवाइसेस में डिस्प्ले हो जाएगा। वाइल प्रोसेसिंग सीपीयू स्टोर्स द डाटा एज वेल एज रजिस्टर, ये हमने देख लिया है। इसके बाद एक नेक्स्ट देखते हैं, अदर देन द रजिस्टर द सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट्स, कौन कौन से होते हैं, जैसे ऊपर अभी बताया था फिगर में आपको, ALU और CU। यहाँ देखिए ALU और CU रहता है, जो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और ये डिवाइसेस को कंट्रोल करने के वक्त आता है, ठीक है। ALU परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्राम। CU controls sequential, देखो sequential वाला वर्ड ध्यान रखना है कि sequential instructions को execute करवाता है, interpret करवाता है instructions को, और guided करता है data flow through the computer's memory, मतलब computer memory से किस तरीके से data guide होगा वो सब चीज़ें वो control करता है, ठीक है। CPU is also popularly known as microprocessor, भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनपुट डिवाइसेज, जैसे यहाँ पर देखो आपको इनपुट डिवाइसेज कुछ दिखाई गई हैं, दीज आर द इनपुट डिवाइसेज, द इनपुट द डिवाइसेज थ्रू विच द कंट्रोल सिग्नल आर सेंड टू द कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट, उनको इनपुट डिवाइस करेंगे जिसके थ्रू कंट्रोल सिग्नल्स आपके सेंड किए जाते हैं। दीज डिवाइसेज कन्वर्ट द डाटा इन टू द डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्टेबल बाय कंप्यूटर वही होगा जो उसके अपने फॉर्म में होगा, अपने फॉर्मेट में होगा, दैट इज डिजिटल फॉर्म जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। सम एग्जाम्पल देखो इनपुट, जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, स्कैनर, टच स्क्रीन हो गया, ये सब आपका रहता है। जैसे फिगर भी दिखाई गई है, स्पेशली डिजाइन ब्रेली कीबोर्ड, हमें सुना होगा जो बेसिकली जो फिजिकली देख नहीं पाते हैं, विजुअली एम्पायर्ड पीपल्स होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए ब्रेली कीबोर्ड्स को भी बनाया जाता है, जिनके हेल्प से वो उसमें कंप्यूटर में डाटा फीड कर सकते हैं, फॉर एंटरिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर्स। बिसाइड्स वी कैन नाउ एंटर डाटा थ्रू द वॉइस से भी कर सकते हैं, आपने देखा होगा आजकल बोलकर मोबाइल में भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज गूगल वॉइस सर्च टू सर्च द वेब वेयर वी कैन इनपुट द सर्च स्ट्रिंग थ्रू द ओवर वॉइस, हमें टाइप नहीं करना पड़ता, अपने बोल के हम उसमें सर्च कर लेते हैं। डाटा एंटर्ड थ्रू द इनपुट डिवाइसेस इज टेम्परेली स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, सबको बताया था मैंने, रैम जो रहती है उसके अंदर टेम्परेली स्टोर होता है कंप्यूटर में, फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज द डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली इन द एडिशनल स्टोरेज लोकेशन, जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब होता है हार्ड डिस्क हो गई आपकी, ठीक है, तो वो उसके अंदर आपका फ्यूचर पर्पस के लिए, जैसे आपने आज आपने कुछ काम किया, वो अभी जो काम कर रहे हो वो आपका अनसेव्ड वर्क रैम में रहता है, आप सेव कर देते हो, फाइल बना लेते हो, तो आपका हार्ड डिस्क में चला जाता है। आउटपुट डिवाइसेज दी डिवाइसेज दैट रिसीव डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम, जो आउटपुट लेती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मॉनिटर हो गया आपका, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, 3D प्रिंटर हो गया, ये सब आपका आउटपुट डिवाइसेस कैटेगरी में आता है। इट कन्वर्ट्स डाटा इन्फॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, हमारे फॉर्म में ये इसको बताता है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर्स, प्रिंटर्स, सम आउटपुट डिवाइसेस हमें दिखाई गए यहाँ पे। ए ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर भी देखो होता है, जैसे मैंने देखा कीबोर्ड होता है, वैसे एक डिस्प्ले मॉनिटर भी होता है ब्रेली के लिए, इज़ यूजफुल फॉर द विजुअली चैलेंज पीपल, जो देखने में असमर्थ होते हैं, जो नहीं देख पाते हैं, उनके लिए ये रखा गया है। टेक्सचुअल आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर, ए प्रिंटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइसेस, हम इसको यूज़ करते हैं फिजिकली, हार्ड कॉपी के लिए ही यूज़ करते हैं प्रिंटर को हमेशा। 3 types के होते हैं ये प्रिंटर, एक तो होता है इंकजेट, लेजर जेट और डॉट मैट्रिक्स। हम जो आज के टाइम में यूज़ करते हैं वो 3D प्रिंटर्स भी आजकल आ गए हैं, विच इज़ यूज टू बिल्ड फिजिकल रेप्लिका ऑफ ए डिजिटल 3D डिजाइन, तो डिजिटल 3D डिजाइन, 3D 3 dimension का डाटा डिजाइन करने में वो हेल्पफुल होते हैं। ऐसे आपने देखा होगा नेट वगैरह पे आजकल 3D प्रिंटर्स भी आ गए हैं, जो देखने में पूरे 3D ग्राफिक्स देते हैं।
These printers are being used in manufacturing industries to create prototype of the product. Product का prototype मतलब model बनाने में work आते हैं, जैसे car वगैरह हो गया, आपके महंगे appliances बनाने हैं उनको बनाने में 3D printers का इस्तेमाल, उनका design करने में use होता है. Their usage is also being explored और in the मेडिकल फील्ड में भी यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग द बॉडी ऑर्गन्स, हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको डिज़ाइन करके दिखाने में, रिप्रेजेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. अब नेक्स्ट देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री का थोड़ा सा जम हो गया ये. फ्रॉम द सिंपल कैलकुलेटर टू द मॉडर्न डेज पावरफुल कंप्यूटर, पहले कैलकुलेटर टाइप के कंप्यूटर होते थे, आज के टाइम में बहुत पावरफुल, काफ़ी आगे निकल चुके हैं कंप्यूटर्स. कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैव इन्वॉल्व इन द रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, द इवोल्यूशन कंप्यूटिंग डिवाइसेज इज नोन. तो यहाँ फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे फिगर 1.5 नीचे होगी इसमें, देखो यहाँ पे दिखाया गया है इस वाले पेज पे. अगर हम देखें, देखो सबसे पहले 500 BC के अंदर अबैकस आया था, दैट इज कंप्यूटिंग इज एट्रिब्यूटेड टू द अबैकस के लिए 3000 साल पहले, वहीं से इसकी शुरुआत मानते हैं. इसके बाद आपका आया पेस्कलाइन, जो आपका इन्वेंट किया गया था मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से, ठीक है, एज द पास्कल कैलकुलेटर और द पेसलिंस के नाम से इसको जाना जाता था, टू डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स डायरेक्टली, मल्टीप्लीकेशन वगैरह मतलब नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह यूज़ करते थे. फिर देखो 1834 काफ़ी टाइम बाद क्या यूज़ हुआ इसका, एनालिटिकल इंजन यूज़ किया गया. इसमें बेसिकली क्या होता है, एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस है फॉर इनपुटिंग प्रोसेसिंग स्टोरिंग डिस्प्लेइंग द आउटपुट. देखो इससे काफ़ी आगे आ गया है, कुछ कुछ कंप्यूटर की फॉर्म जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं वैसी बनती जा रही थी, एंड डिस्प्ले द आउटपुट विच इज़ कंसिडर्ड टू फॉर्म द बेसिक मॉडर्न कंप्यूटर्स. अब नेक्स्ट देखते हैं टेबुलेटिंग मशीन जो इसमें आ गई, देखो कितना गैप हो गया, 34 के बाद 90 में आया है, दैट इज़ द हार्मन ऑलरिथ डिज़ाइन ने किया, उसने एक पर्सन है जिसने डिज़ाइन किया था ए टेबुलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग द डाटा स्टोर्ड ऑन द पंच्ड कार्ड. पंच्ड कार्ड के अंदर डाटा स्टोर्ड को उसमें समराइज करने के लिए उसने यूज़ किया. इट इज़ कंसिडर्ड टू द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द प्रोग्रामिंग, सबसे पहले प्रोग्रामिंग यहीं पर स्टार्ट हो गई थी. इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 1937 में टर्निंग मशीन्स आ गई थी. टर्निंग मशीन्स कंसेप्ट बाय द जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन थी दैट इज कैपेबल टू सॉल्व द एनी प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल थी वो बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द पंच कार्ड्स में. इसमें देखिए नेक्स्ट है EDBC, ये है शॉर्ट फॉर्म है इसको, ये वाला नाम आपको ध्यान रखना है जरूर, एग्जाम में कभी भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि वॉन न्यूमन ने जो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम, प्रोग्राम को स्टोर किया जा सके, कंप्यूटर्स विच आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा एज वेल एज द प्रोग्राम इन द मेमरी. EDBAC एंड देन ENIAC ये नाम रखे गए, कंप्यूटर्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट. इसके बाद देखो ट्रांजिस्टर्स आ गया था, ट्रांजिस्टर्स बहुत बड़ा इन्वेंशन था जिसके थ्रू क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर. वैक्यूम ट्यूब्स में बहुत नुकसान थे, देखो जब वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे बहुत हीट जनरेट करता था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करता था, उन सब से निजात पा लिया हम, बच गए और ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा जो बहुत छोटे होते थे, डेवलप्ड बाय द बेल लैब्स, ठीक है, यूजिंग द सेमी कंडक्टर मटेरियल के थ्रू. फिर 1970 में इंटीग्रेटेड सर्किट जो ICs का इस्तेमाल किया जाने लग गया इन दिस सिलिकॉन चिप विच कंटेन्स एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया में, द साइज ऑफ द कंप्यूटर आर हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस बिकॉज ऑफ द ICs की वजह से ही इसका साइज बहुत घट गया था, क्योंकि बहुत छोटे होते थे, ये जो बड़ा काम होता था वो अब छोटे में होने लग गया था. नेक्स्ट अब इस पर आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हमें दिखाया गया, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था जो ऊपर डायग्राम में भी से दिखाया गया है, एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस ए मेमोरी टू स्टोर डाटा प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन चैनल्स भी इसमें होते थे टू सेंड एंड रिसीव आउटपुट. फिर जो नेक्स्ट बात हो रही थी इसमें, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म ये है ENIAC की, जो हमने ऊपर यहाँ पर भी देखा था, इसकी फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड द कंप्यूटर, इज़ द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल था कंप्यूटर, ठीक है, बेस्ड ऑन द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे बेस्ड था ये. 1970 में लार्ज स्केल इंटीग्रेटर दैट इज LSI इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर अलाउड इंटीग्रेशन फॉर द इंटीग्रेशन, मतलब जोड़ दिया गया था उसको ऑफ कंप्लीट CPU बना लिया था एंड अ सिंगल चिप, मतलब सिंगल चिप में पूरा का पूरा CPU बनाया गया था, वो शुरुआत यहीं से हुई थी दैट इज LSI से, ठीक है, कॉल्ड द माइक्रोप्रोसेसर इसको बोला गया था. फिर मोरिस लॉ जो था प्रिडिक्टेड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट कुड बी असेंबल्ड, मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला के असेंबल करके इन ए सिंगल माइक्रोचिप में बना लिया जाए ताकि उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाए, ठीक है. इन 1980s द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द कंप्यूटर्स इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियल बाय इंटीग्रेटिंग अराउंड 3 मिलियन कंपोनेंट्स,
ऑन ए स्मॉल साइज चिप, जिसको टर्म किया गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से, VLSI। ठीक है, फिर फर्दर एडवांसमेंट होता गया टेक्नोलॉजी में एंड विज मेड द फ्लेक्सिबल फिजिबल एंड द फैब्रिकेट हाई डेंसिटी ऑफ द ट्रांजिस्टर्स एंड अदर कॉम्पोनेंट्स। मतलब बहुत ज़्यादा रखे जाने लग गए इसमें, अप्रॉक्स 108 कॉम्पोनेंट्स ऑन ए सिंगल IC, कॉल्ड द सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आया, पहले लार्ज वाला था, फिर वी लग गया, इसके वेरी वाला, और फिर एस सुपर लार्ज। ठीक है, IBM ने इंट्रोड्यूस किया था इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर PCs फॉर द होम यूजर्स 1981 में। एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोटोस मशीन्स इन 1984। द पॉपुलरिटी ऑफ द PCs सर्च बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो इसमें आ गया था GUI इंटरफेस। यहाँ पर देखिए, इस फिगर में बताया भी गया है, यहाँ पर अगर आप फिगर को देखो, दैट इज़ द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर इंटीग्रेटेड चिप, मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट IC, एक IC के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स रखे जाने लगे। देखो, शुरुआत यहाँ से बताई गई है, क्योंकि गई है इन्वेंशन जो हुआ था ट्रांजिस्टर का, इसके बाद से इंटर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कितना कितना देखो इन्वेंशन होता गया। यहाँ पर देखें 1970s में अगर आप देखें तो 10,000 के आसपास, ये 4,000, फिर 8,000 से ऊपर। ठीक है, और फिर इस तरीके से ये बढ़ता गया। यहाँ देखिए, इसके नंबर ऑफ सर्किट दिखाए गए हैं कितने कितने इसमें होते हैं। तो अगर हम आज के टाइम में देखें, लेटेस्ट हमारा कोर i7 तक आ गया है, तो उसके अंदर इतने सारे चिप्स इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर्स इन द प्लेस ऑफ द कंप्यूटर्स विद ओनली कमांड लाइन इंटरफेस। यूनिक्स जो पहले DOS, अगर आपने सुना हो तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया था अराउंड 90s में। दी ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट आपका आ गया था, फर्दर एक्सेलरेट द मास यूजेज ऑफ द कंप्यूटर्स एंड देयर आफ्टर कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द एवरीडे लाइफ। मतलब सबके लिए बिल्कुल एक नॉर्मल यूज़ हो गया, क्योंकि WWW इंटरनेट का यूज़ होना चालू हुआ, तब से कंप्यूटर हमारा डेली लाइफ का पार्ट बन गया। फर्दर विद इंट्रोडक्शन टू द लैपटॉप्स और पर्सनल कंप्यूटर जो आने लग गए थे, मोर पोर्टेबल डिवाइसेस आने लग गए थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसमें जो है पॉपुलर हुए। दिस वाज फॉलोड बाय द स्मार्टफोन, आज के टाइम में आ गए हैं टैबलेट्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, ये सब चीज़ें आ गई हैं। दी डिवाइसेज आर द लेवरेज एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हुआ इन द प्रोसेसर और एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फास्ट और मेमोरी बहुत ज़्यादा होने लग गई, हाई स्पीड डाटा एंड द कनेक्टिविटी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इसमें। आज के दिन में ब्लूटूथ वगैरह भी आ गया है, आपका हॉटस्पॉट वगैरह बना के आप यूज़ कर लेते हो कनेक्टिविटी, तो ये सब चीज़ें इसमें आ गई है। अब देखो नेक्स्ट है इसमें, द नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस इंक्लूडिंग द वेरिएबल गैजेट्स, जिन्हें आप पहन सकते हो, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, आपका लेंसेस हो गए, हेडबैंड्स हो गए, हेडफोन्स हो गए। फर्दर स्मार्ट अप्लायंसेस आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आ गया, बाय लिवरेजिंग द पावर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में डिटेल में अभी बाद में आएगा चैप्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके वो आने लग गए हैं। एक टॉपिक और देखना है इसमें, दैट इज द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मेमोरी, हम बात करते हैं तो उसका हम बात करते हैं बेसिकली मेन और प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली क्या होता है, द सेकेंडरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड द स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट्स परमानेंटली। देखो, जो आप परमानेंटली स्टोर करते हो उसको सेकेंडरी डिवाइसेस में करते हो, और यहाँ आपका प्राइमरी मेमोरी के अंदर, दैट इज द रैम, उसके अंदर टेम्परेली स्टोर होता है। ठीक है, फ्यूचर यूज आप परमानेंटली स्टोरेज कौन से में कर सकते हो, सेकेंडरी मेमोरी में। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, देखिए यूनिट्स ऑफ मेमोरी के अंदर यूनिट्स बताए गए, बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि हम देखें बाइनरी में 0 और 1 चलता है हमेशा, बेसिक यूनिट्स आपकी, इसे बिट्स बोला जाता है 0 और 1 वाले फॉर्म को। फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप टुगेदर, जो एक पूरा पूरा फॉर्म एक वर्ड का बनाया गया, जिसमें 4 बिट में एक वर्ड बनाया गया, जिसे निबल बोला जाता है। देखो, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, निबल क्या होता है, बिट्स क्या होता है, तो सिंपल आपको डेफिनेशंस याद रखनी है। एग्जाम्पल्स ऑफ निबल, आप देखो 4 वाला हो गया, यहाँ पे 1001 चार बाइट्स का हो गया। ए 2 निबल वर्ड 8 बिट में आ गया, वर्ड इज कॉल्ड द बाइट। फॉर द फर्दर, देखो आप 8 वाला लिख के आ सकते हो कोई भी एग्जांपल, इसमें 0 1 का कोई कम्बिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, कोई भी कम्बिनेशन लिख सकते हो, लेकिन 8 बिट्स होने चाहिए। लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड यूनिट, बाइट्स आर ग्रुप टुगेदर टू मेक बिगर चंक्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, देखो यहाँ पे टेबल दिया गया है, यहाँ पे जैसे कि KB है, जैसे किलो बाइट हम कहते हैं, वो 1 KB के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं। तो आपके 1024 वाली फिगर जरूर याद रखनी है,
इसी को अगर आप 1024 केवीज को अगर इंक्लूड कर ले तो देख एमबी बन जाएगा, फिर इतने ही एमबी 1024 अगर आप एमबी को इंक्लूड कर देगा तो जीबी, फिर टीबी आ जाता है, फिर इस तरीके से पीबी ईबी ये सब फुल फॉर्म भी दे रखी है, एक्स्ट्रा बाइट्स ठीक है, जेटा बाइट या फिर योटा बाइट यहाँ तक आ गया। आपने आज के टाइम में देखा होगा आपकी हार्ड डिस्क टीबी तक तो देखो होती है नॉर्मली, लेकिन इससे बाद पीबी वगैरह भी जनरल यूज़ में नहीं आई है, लेकिन हाँ कमर्शियल यूज़ इनका होने लग गया है ठीक है। इस तरीके से बताया गया स्टैंडर्ड यूनिट्स बाइट्स आर ग्रुप टुगेदर टू मेक द बिगर चंक्स और यूनिट्स ऑफ मेमोरी, इस टेबल में भी बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर देखो मेन ये कंसेप्ट इन्होंने ये बताया गया है कि कंप्यूटर्स हैव टू टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी, प्राइमरी जैसे ऊपर हमने बताया था रैम होती है और सेकेंडरी मेमोरी, दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है, या इनके बारे में अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिकली प्राइमरी मेमोरी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्राम एंड डाटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग, द सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है वो। इट इज़ ए टू टाइप्स होते हैं, एक तो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और एक होता है रोम दैट इज़ अ रीड ओनली मेमोरी। दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, रैम इज़ वोलेटाइल, वोलेटाइल वर्ड आपको जरूर ध्यान रखना है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर इट रिटेन्स द डाटा इन इट, मतलब वो डाटा को रखेगा संभाल के, डाटा लॉस नहीं करेगा जब तक आपकी पावर उसको मिलती रहेगी कंप्यूटर में ठीक है। बट एज सून एज द पावर सप्लाई इट एज सून एज द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द रैम आर वाइप्ड आउट, मतलब लॉस हो जाएंगे ठीक है। इट यूज टू स्टोर द डाटा टेम्परेली, बेसिकली टेम्परेरी के लिए स्टोर हो रहा है वो, वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग वेन एवर द कंप्यूटर इज स्टार्टेड और ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड द रिक्वायर्ड प्रोग्राम एंड डाटा आर लोकेटेड इन टू द रैम, रैम भी रखते हैं उसको लोकल डाटा सारा, द रिक्वायर्ड प्रोग्राम एंड द डाटा लोकेटेड इन रैम फॉर प्रोसेसिंग, रैम इज़ यूजली रेफर टू एज द, इसी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, रैम को ही देखो मेन मेमोरी बोला जाता है और ये वोलेटाइल होती है एंड इट इज़ फास्टर देन द सेकेंडरी। देखो जो भी मेमोरी वोलेटाइल होगी वो कंपेरेटिवली फास्ट ही होगी, इट इज़ फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा होता है आपका रोम, ये नॉन वोलेटाइल होता है ठीक है, मीन्स इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस इवन वेन द पावर इज टर्न ऑफ, अगर आप पावर को टर्न ऑफ कर दोगे तब भी आपके इसका मेमोरी का रोम का दैट इज़ अ रीड ओनली मेमोरी का डाटा लॉस नहीं होगा। इट इज़ यूज एज ए स्मॉल, बहुत स्मॉल रहती है, देखो इसके कंपेरेटिवली रैम के कंपेरिजन भी छोटा रहता है बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज ठीक है। क्या होता है ये फास्टर होता है कंपेरेटिवली और परमानेंट स्टोरेज रहता है फॉर द कंटेंट्स विच आर रेयरली चेंज, रेयरली चेंज मतलब आप कभी भी इसको चेंज नहीं करना चाहोगे, बहुत ही मुश्किल से कभी आप चाहो तो चेंज करने का, अदरवाइज इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल The startup program that is the bootloader जो होता है, जिस सिस्टम आपका स्टार्ट होता है तो बूटिंग होती है उसकी, that loads the operating system into the RAM, RAM के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सब हमें विंडोज डाल दिया वो RAM के अंदर डालता है उसको, stored in the ROM, ये सबका सबका कहाँ स्टोर होता है, ROM के अंदर स्टोर होता है। अब देखो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, दैट इज द कैशे मेमोरी, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, RAM is faster than the secondary memory but not as fast as the computer processor, so because ऑफ द रैम इज सी पी यू में हैव द स्लो डाउन, अगर रैम स्लो होगी तो सी पी यू भी स्लो हो जाएगा। टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ द सी पी यू ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी रखी जाती है इन प्लेस बिटवीन द सी पी यू एंड द प्राइमरी मेमोरी, सी पी यू और प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैम के बीच में एक और फास्ट मेमोरी रखी जाती है जिसको हम कैशे मेमोरी कहते हैं। इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ डाटा फ्रॉम द फ्रीक्वेंटली एक्सेस प्राइमरी मेमोरी लोकेशन, जो प्राइमरी मेमोरी लोकेशन में यूज़ हो रहा है बार बार फ्रीक्वेंट डाटा उसको ये रखता है, थस रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस डाटा, इस वजह से को थोड़ा होता है ये मेमोरी बहुत इन दोनों के बीच में रहता है, लेकिन इससे स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सीपीयू की, क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट रहता है, इसको डाटा जो फ्रीक्वेंटली डाटा यूज़ करना है वो उसको वहीं पर अपने पास मेमोरी मिल जाएगा तो फास्ट हो जाएगा। टू एक्सेस डाटा फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी व्हेन द सीपीयू नीड्स टू एक्सेस मेमोरी इट फर्स्ट एग्जामिन्स द कैशे मेमोरी, देखो अगर मान लो इसको कोई डाटा चाहिए मेमोरी में तो सबसे पहले वो कैशे मेमोरी जिसके पास पड़ेगी उसी में ढूंढ लेगा, अगर मिल गई तो ठीक है नहीं तो जाकर रैम से ले लेगा। इन केस द रिक्वायरमेंट इज मेट इट इज़ रीड फ्रॉम द कैशे अदरवाइज द प्राइमरी मेमोरी इज एक्सेस्ड। सेकेंडरी मेमोरी और देखते हैं इसमें, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड मेमोरी, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है एंड इज़ आइदर वोलेटाइल भी होती है और रोम रीड ओनली होती है, थस एक कंप्यूटर सिस्टम नीड्स
एक्सिलरी और प्राइमरी मेमोरी जो बड़ी मात्रा में बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल हो और जो परमानेंट स्टोरेज काम आ सके, भले थोड़ी स्लो हो, वो जरूरत होती है परमानेंट स्टोरेज के लिए, ठीक है। डाटा और इंस्ट्रक्शंस फॉर द फ्यूचर यूज़, द सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल। अगर आप देखो कंप्यूटर में सप्लाई पावर की बंद कर देते तब भी इनमें से डाटा लॉस नहीं होने वाला एंड हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन द प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ स्लोअर एंड चीपर। देखो स्लो तो रहती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, स्लो रहेगी कि बहुत ज़्यादा भी तो स्पेस प्रोवाइड करती है, आप कितनी बड़ी बड़ी उसमें फाइल स्टोर कर लेते हो, इतनी सब रैम में नहीं रखी जा सकती। एंड चीपर देन द मेन मेमोरी बट इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। सीपीयू इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, इसी वजह से स्लो होती है ये। कंटेंट्स ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज नीड्स टू बी फर्स्ट ब्रॉट इन टू द रैम। जब भी आपको डाटा इसका चाहिए, पहले आप उसको डाटा कॉपी करके रैम में लेके आता है सीपीयू और फिर इसको एक्सेस कर पाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी आप देख सकते हो, हार्ड डिस्क जिसे हम HDD शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं, CDs, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVDs, मेमोरी कार्ड, देखो ये सब यहाँ फिगर में भी दिखा रखा है इन्होंने, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, मेमोरी कार्ड जो आप यूज़ करते हो मोबाइल्स वगैरह में, कैमरेज में, टेप ड्राइव भी इसके अंदर आती है, अब तो यूज़ नहीं होती, पहले यूज़ होती थी, ये टेप वाली ड्राइव होती थी, और सॉलिड स्टोरेज डिवाइस, इस टाइप की डिवाइसेस भी होती हैं और चिप की टाइप से यूज़ की जाती है, ठीक है। हाउएवर दीज डेज देर आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज लाइक द सॉलिड स्टेट डिवाइसेज भी आ गई हैं, जो आपको फिगर में इसमें दिखाया गया है, विच सपोर्ट्स वेरी फास्ट डाटा ट्रांसफर स्पीड एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंपेरेटिवली फास्ट होती हैं ये, एंड ऑल्सो डाटा ट्रांसफर बिटवीन द कंप्यूटर्स हैव बिकम ईजियर एंड द सिंपलर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्मॉल साइज पोर्टेबल फ्लैश डिवाइस की वजह से वो फास्ट हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, बाकी इसका सेकंड पार्ट आप इसका नेक्स्ट ज़रूर देखो, और वो भी मैं आपका नेक्स्ट इसका अपलोड करने वाला हूँ। अगर चैनल आपको पसंद आता है ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। सेकंड पार्ट में मिलते हैं इसके, थैंक यू सर।